वाल्व लोड रिमूव कर दिया हूँ, इंजन का कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ऑयल मेंटेनेंस किया गया है भाई, इंजन में बिल्कुल चमक रहा है। देखिए कुछ भी यहाँ पे ब्लैक कलर का रेड कलर का कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा। ऊपर से ही निकले तो भाई ये नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से निकलेगा, थोड़ा सा ये लंबा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, डालेंगे उसके बाद गाड़ी को रन करेंगे। स्टार्ट करो जरा। हाँ हो गया। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि फिर से आ चुके हैं हमारे पास मारुति का स्विफ्ट गाड़ी, सीएनजी पेट्रोल दोनों। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। और आप लोग पूछेगा कि भाई इतना जल्दी इसमें टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है, तो भाई गाड़ी चली है, ये गाड़ी चल चुकी है 140,000 किलोमीटर अभी भी इसमें चलता था, लेकिन कस्टमर का क्या कंप्लेंट आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साउंड आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। और ये क्या चीज़ देखेंगे भाई, सीएनजी गाड़ी है, पेट्रोल वर्जन भी है, दोनों कनेक्शन है, तो हम लोग जितना इसमें हो सके उतना देखेंगे कि क्या रिमूव करना है क्या रिमूव नहीं करना है। अधिकांश ये गाड़ी जब से सीएनजी पेट्रोल आया है, शायद ही कोई मैकेनिक या कहीं पे इसका टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि दोस्तों इसका लाइफ टाइम कंपनी बोलता है लाइफ टाइम चलाओ, जब दिक्कत हो तभी रिप्लेसमेंट करना है। लेकिन गाड़ी वाले को भी भाई सेटिस्फाइड नहीं है कि इसको चेंज करना है, तो हम लोग भी यहाँ चेंज करके देखेंगे क्या। लगभग 2.5-3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद आपको टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए, नहीं तो भाई चेन इसमें डबल चेन आता है। अब डबल चेन का मतलब दो चेन नहीं समझिए, एक में ही चार लेयर आता है चेन में। तो हम लोग खोलेंगे देखेंगे कि चैन लमड़ा है या नहीं है, उसका थिकनेस बढ़ा हुआ है कि क्या हुआ है। टाइमिंग मार्क भी आपको दिखाऊंगा कि क्या है नहीं है। तो इस वीडियो पे नए हैं तो जाइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो रेड कलर का बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, मन करे तो शेयर मार दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो और भी भाई किसी को ज़रूरत होता है देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ चुका हूँ भाई, यही रहा इस गाड़ी का टाइमिंग चैन, जो मैंने बताया था डबल चैन आता है, लेकिन देखने में तो सिंगल ही दिख रहा है। तो अब क्या करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए बस आपको नीचे जग लगा देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्रैंकेस भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा, टाइमिंग कवर भी रिमूव करना, तो ये मुझे अब बीडिंग को रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्रैंकेस है जिसको चैम्बर हम लोग बोलते हैं, उसको पहले आप सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। भाई तो यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो चुका है, यहीं पे आपको मिलेगा यही सा, इसका मेन ऑयल सीट भी निकले से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पिघा पूरा दिख रहा है ऑयल का। यहाँ पे आपको समझा देंगे, जो यहाँ पे दांत जैसा दिख रहा है, फेविन जैसा, ये मैंने एक गाड़ी का वीडियो बनाया था एक्सीडेंट गाड़ी का, उसमें भी दिया। ये क्रैंक शाफ्ट सेंसर को मैग्नेटिक करता है, वो सेंस करके भाई पहुँचाता है कि यहाँ क्रैंक शाफ्ट कितना घूम रहा है नहीं घूम रहा है। तो अब यहाँ पे टाइमिंग कवर को निकालेंगे। ऊपर भी मैंने यहाँ पे वाल्व लोड का जितना भी नट बोल्ट होता है उसको रिमूव कर दिया हूँ, यहाँ पे टाइम सेंसर होता है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया हूँ। अरे यहाँ तो भाई वाल्व लोड को रिमूव कर लेंगे। वाल्व लोड रिमूव कर दिया हूँ, इंजन का कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ऑयल मेंटेनेंस किया गया भाई इंजन में, बिल्कुल चमक रहा है। देखिए कुछ भी यहाँ पे ब्लैक कलर का रेड कलर का कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा हुआ है इंजन का। तो यही है भाई चैन, निकालो इसको सीधा। एक मिनट, तो भाई ये नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से निकलेगा, तो यही खुल के आ चुका है हमारे सामने। इसका टाइमिंग पैड, टेसनर, पुनी सब कुछ। इसका टाइमिंग मार्क आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे रख के खोलना है। तो भाई साहब इसको हम टाइमिंग पे लाने के लिए इसको राउंड लगा रहे हैं कि टाइमिंग कहाँ पे इसका आएगा। तो भाई मैंने यहाँ पे जा रहा हूँ रिमूव करने चैन को, लेकिन आपका कैम का दोनों लॉक नहीं बताया हूँ। कैम का यहाँ पे देखिए, एक इधर भाई एरो मार्क यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ये एरो मार्क बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए छोटा सा गुनका दिया हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है, एकदम स्टेट में है। यहाँ से दिखाने का नहीं हो रहा है, नीचे आपको दिखाता हूँ क्रैंक शाफ्ट का मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये वाला जो सामने आपको दिख रहा है एरो मार्क, ठीक उसके अपोजिट ये चाबी रहेगा जो हम लोग लॉक करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे तीर का चिनासी मैंने लगाया हुआ, आप दोनों पर देख सकते हैं। ठीक इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कैम में कटा हुआ मिलेगा,
ये वाला दिख रहा है ना, ये बिल्कुल नीचे स्टेट में होना चाहिए। चैन में भाई वहाँ पे ब्लैक कलर मार्क रहता है, वो मैं जब डालूंगा ना उस समय आपको दिखा दूंगा। यही हमारा चेन सस्पेंस टाइमिंग है। हाँ ना सर। अब ऊपर एक और टाइमिंग आता है इस साइड, वो दिखा देता हूँ भाई, वो भी क्लियर कर दूंगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ये कटा हुआ दिख रहा है, ये वाला ये बिल्कुल इसके एकदम सामने होना चाहिए, ये दोनों मुंह मिलना चाहिए, ठीक है। इस साइड आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर दिख रहा है, ये थोड़ा सा अंदर है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल इसके लेवल में। तो जैसा कि मार्केट से जाके बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स MGP का यहाँ पे टाइमिंग चैन आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसमें टेंशनर, इसमें टेंशनर बिल्कुल ब्रांडेड, ड्रेसअप्ट ऑयल सील, दो ड्रेसअप्ट ऑयल सील, पैड बिल्कुल मारुति का आप लोग देख सकते हैं, दोनों कवर यहीं पे है, फ्रंट पैड बैक पैड बिल्कुल ओरिजिनल एकदम ब्रांडेड जेन्युइन पार्ट्स। ये होने के बाद ऑयल सर्विस करूंगा, 5W30 बिल्कुल फुली सिंथेटिक मोटर ऑयल, ठीक है। तो ये भी एकदम टकाटक ऑयल है, ग्रे वाला अनावरण आप लोग देख सकते हैं जो गम होता है, ऑयल फिल्टर बिल्कुल ब्रांडेड मारुति का, दो कैलिफर पिन जो निकल में होता है भाई ब्रेक के लिए, बाइलेंस रड बूस वो भी वीक था बिल्कुल, ये भी एकदम ओरिजिनल है भाई। बेस्ट भी आ गया बिल्कुल कॉटन का, एयर फिल्टर AC फिल्टर ये भी एकदम मारुति का आप लोग देख सकते हैं। ये रहा गाड़ी का खोला हुआ चैन, ये हुआ बिल्कुल नया, अभी हम लोग देखेंगे कितना बड़ा हुआ है कितना छोटा हुआ है। देखिए भाई आपको दिख रहा है, ये जो गाड़ी से खोला हूँ ये जो है बिल्कुल नया है, थोड़ा सा ये लंबा हो चुका है आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, परवाह नहीं, अभी चलता था पर कोई बात नहीं भाई, इसको तो चेंज करना था इतना किलोमीटर के बाद, तो हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे दोनों पैड को चेक करेंगे भाई, ये नया ये पुराना, एकदम परफेक्ट, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी फैड देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे टेंशनर है, ठीक है, जो टाइमिंग चैन होता है ना उसको कितना चाहिए एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, दोनों डिफरेंट है पर कोई बात नहीं, हम लोग दोनों ये होल मैच करेंगे डाल के इसको, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसमें थ्रेडिंग टाइप दिया है, ठीक है। थ्रेडिंग टाइप इसलिए दिया है कि अक्सर क्या होता है मैकेनिक कभी कभी, ये जो नया लेटेस्ट इंजन आया है ना CNG पेट्रोल मारुति जो छोड़ा है उसमें ही सिर्फ वही टेंशनर इस तरह दिया है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलती से या धोखा से इंजन क्या होता है उल्टा, मतलब हम लोग किसी वजह के कारण या दिक्कत से उल्टा फिर जाता है इंजन, तो उस समय क्या होता है टाइमिंग जंप कर जाता था, टेंशनर डायरेक्ट अंदर सुटुक के चल जाता था। इसीलिए कंपनी क्या ध्यान दिया कि यहाँ पे थ्रेडिंग टाइप देंगे, ठीक है, जब तक यहाँ पे चैन को हम लोग इस अंदर नहीं दबाएंगे तब तक ये अंदर जाएगा ही नहीं। देखिए मैं चैन छोड़ दिया हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, इसको दबा के भी रह जाऊँगा लेकिन दबेगा नहीं, आप लोग यहाँ पे देखिए लॉक हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चैन को जैसे ही अंदर दबा के इसको दबाऊँगा तो बिल्कुल परफेक्ट से अंदर जा रहा है। तो भाई हम लोग उल्टा ना चाहेंगे इसको, कोई चैन को अंदर दबाएगा ही नहीं तो इंजन हमारा उल्टा घूमेगा ही नहीं, इंजन तो घूमेगा लेकिन चैन में कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। सेम इसमें ही दिया है, हम लोग इसको खोल के अभी देखा हूँ, इसमें थ्रेडिंग टाइप दिया है और इसमें क्या है एडजस्टमेंट टाइप दिया है, देख लीजिए आप, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होना है, आपके पास ऐसा मिला तो आप डाल सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, दोनों होल मैच करके देखिएगा, ऐसा बोल्ट ऊपर रहता है, बोल्ट कैटलॉग में हम लोग इसको पूरा चेक करके ही डाल रहा हूँ, तो कुछ में कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि अनुज भाई क्या दिक्कत हो रही है और क्यों ये ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा ही डाल सकते हैं टेंशनर, ये भी डाल सकते हैं। तो इस गाड़ी का हम लोगों ने जो चैन रिमूव किया था वो नया वाला डाल दिया हूँ, और यहाँ पे एक बार और भाई कंटिन्यू से हम आपको मार्क दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 के पास ब्लैक कलर का चैन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये किधर गया, हाँ इधर, ये ब्लैक कलर का चैन है, यहाँ पे नीचे छोटा सा बूंदी दिख रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड आपको दिखा देता हूँ, पीछे भी देख लीजिए, यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है बिल्कुल इसके सामने है, यहाँ पे भी कटा हुआ दिख रहा है बिल्कुल इसके सामने है, यहाँ के भी देखिए नीचे कटा हुआ बिल्कुल स्ट्रेट है, ब्लैक चैन के पास है, देख लीजिए ऊपर देख लीजिए, वो जो मार्क दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे चाबी के सामने है, एकदम परफेक्ट है। अब डालेंगे इसके ऊपर का कवर,
टाइमिंग कवर बिल्कुल रेडी है, आप वो गम देख सकते हैं, कोई भी पैकिंग नहीं आता इसमें, इसलिए गम डालने में कुछ भी कंजूसी नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, गम जहाँ पे डालना चाहिए वहीं पे ही डालना है, या नहीं कि भाई साइड में डाल दिए, इसमें फंस गया या इधर आ गया उधर आ गया, उससे वजह से क्या होता है, ऑयल का छोटा छोटा होल होता है कहीं कहीं पे, वो ब्लॉक होने का चांसेस रहता है, इसलिए जहाँ पे है वहीं पे आपको क्लीन से लगाना है। जैसा कि यहाँ हमने फिनिश कर दिया हूँ पूरा स्पार्क प्लग का कॉयल सब कुछ वाल्ड और फिनिश कर दिया हूँ, बाकी बचा है भाई ये सेंसर। ये कौन सा सेंसर है? ये कैम सेंसर है, ठीक है। अभी कैम सेंसर आप देख लीजिए इस तरह का है। अब कैम सेंसर डालूंगा, गम ड्राई होगा, इंजन ऑयल डालूंगा बिल्कुल ब्रांड डालवाला, उसके बाद आपको तो पूरा ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, मॉर्निंग में आके इंजन ऑयल को डालेंगे, उसके बाद गाड़ी को रन करेंगे। गियर ऑयल है, गियर ऑयल का भी कंडीशन बिल्कुल ग्रेड हो चुका है भाई, ब्लैक पर गया है। देखिए अभी इसमें नया डालूंगा दिव्य ऑयल का ऑयल, और ये बिल्कुल भाई ब्रांडेड डाल रहा हूँ एकदम मस्त वाला। देखिए दिव्य ऑयल का है, ये डाल रहा हूँ भाई, देख लीजिए मस्त है इसका परफॉर्मेंस। फाइनली ये गाड़ी का पूरा काम ओके हो चुका है, बिल्कुल 0-0 एकदम परफेक्ट है, देख सकते हैं। ये भी कूलेंट वूलेंट पूरा डीसी का डाला हूँ, एकदम परफेक्ट है 70, देख लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह मैंने खोला था, एक एक क्लिप, एक एक वायर, एक एक नट बोल्ट पूरा परफेक्ट से है। गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि साउंड कैसा है, स्टार्ट करो जरा। हाँ कुछ भी मिसिंग नहीं है भाई, देख लीजिए मैं आराम से फ़ोन पकड़ता हूँ, थोड़ा भी मिसिंग नहीं है ना, देख लीजिए। और साउंड देखिए कितना स्मूथ साउंड है, फास्ट में ले जाता हूँ, सुनिए। इस तरह होना चाहिए भाई वर्क, कुछ भी काम करे तो जिस तरह साउंड पहले है उस तरह होना चाहिए, थोड़ा उसमें अच्छा ही होना चाहिए लेकिन गड़बड़ नहीं। तो हमारा जो काम था वर्क था बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। तो बस यही तक था हमारी वीडियो, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ज़्यादा से भी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब मार दीजिएगा, दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का मुसीबत में और कोई फंसे या और कोई टाइमिंग चेन इसका रिप्लेसमेंट कराना चाहता है तो यही वीडियो के माध्यम से आप करा सकते हैं किसी मैकेनिक के पास या मेरे पास या कहीं पर और जगह, कि क्या क्या खर्च होता है, कितना लगता है पैसा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। मैनूज भाई थैंक यू।